समस्या तो अब गर्मी में साहब अब समस्या समस्या तो है, मच्छर भी लग रहे हैं। कल कहाँ हुई बारिश, हल्की हल्की बारिश हुई, हल्की हल्की बारिश में क्या होता है दो उठना? ओ तो अच्छा रहेगा, बारिश हो जाएगा तो थोड़ा गर्मी से राहत तो मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में लोगों को गर्मी और उमस से हल्की राहत मिल गई है। कई जगहों पर हुई बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि अगले 2 घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी जैसे जाफराबाद, नजफगढ़, द्वारका, पालम, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जैसे इलाकों में हल्की गरज और बारिश के साथ हल्की से ज़्यादा तक बारिश हो सकती है। बीते सोमवार की अगर बात की जाए तो बीते सोमवार को लगभग 31.4 डिग्री सेल्सियस बारिश का जो तापमान है वो रहा था। उसके बाद अधिक बारिश पूसा और पीतमपुरा में रिकॉर्ड की गई, वहीं सबसे कम बारिश पालम में दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी यानी आज बारिश के आसार जताए हैं। इसके लिए बारिश का लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसमें अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसे में अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को किस तरह की समस्याएं हो रही है इस उमस और गर्मी से, तो उनके बीच में चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्या आ रही है। समस्या तो अब गर्मी में साहब अब समस्या तो है, मच्छर भी लग रहे हैं। तो दिल्ली में रोज बारिश हो रही है लेकिन बावजूद कोई राहत नहीं मिल पा रही है? नहीं, राहत हो रही है जी। तो कहा जा रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है, तो क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ेगा दिल्ली में? हाँ यार, बारिश होगी तो असर तो कुछ में कुछ तो असर पड़ेगा। बारिश नहीं हो रही तो असर कहाँ से आएगा शरीर में? अब बारिश कहाँ हो रही, गर्मी है तो शरीर में, तो बारिश हो जाएगी तो अपनी को ठंडी आराम से हो जाएगी। तो आप काम करते हैं तो किस तरह की समस्याएं होती हैं क्योंकि बारिश तो हो रही है? काम करते तो उसमें काम करने मान लो थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, पर बाकी और क्या काम करना है। कल भी बारिश हुई थी, इसका कुछ असर पड़ा कि दिल्ली में? कल कहाँ हुई बारिश, हल्की हल्की बारिश हुई, हल्की हल्की बारिश में क्या होता है दो उठना? जब तक बराबर पानी नहीं देगा, बहने नहीं लगेगा, जब तक रो ठंडक शरीर में नहीं आ पाएगी हमारे। बारिश भी नहीं हो रहा है और गर्मी का मौसम बहुत काफ़ी हो गया है और हम यहाँ पर काम करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? बहुत सी दिक्कत आ रही है। अभी कल से 2 दिन हो गया हमको आए हुए यहाँ पे, कागज़ पत्र के लिए डेली दौड़ रहे हैं, गर्मी में धूप में खड़े रहते हैं 1-1 घंटा तक। तो क्या लगता है कि अगर आज तेज बारिश हो जाती है किसका असर पड़ेगा दिल्ली पे? ओ तो अच्छा रहेगा, बारिश हो जाएगा तो थोड़ा गर्मी से राहत तो मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, इनका साफ तौर पे कहना है कि राजधानी दिल्ली में भले ही बारिश हो रही हो लेकिन जो उमस है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में इनका कहना है कि अगर बारिश अगर खुल करके होती है तो कहीं ना कहीं जो मौसम में नमी आएगी और उसके तापमान में भी कमी आएगी और साथ साथ जिस तरह से उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सकती है। और ऐसे में आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब ऐसे में क्या दिल्ली में बारिश होगी और उमस और गर्मी से लोगों को कितनी राहत मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।